सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारे पास सॉलिड H2 सैटेलाइट मीटर ये रिपेयर के लिए आया है, तो इसे पहले एक बार चेक कर लें इसकी प्रॉब्लम क्या है। जिस भाई ने हमारे पास ये भेजा है उसने कहा भी इसमें सिग्नल ही नहीं उठा रहा है, तो ये हमने DD फ्री डिश का सिग्नल इसमें लगा दिया है और फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करके और अपना जो फ्री डिस्क का रिपेयर वाली केबल है उसको लगा के इसमें देखते हैं सिग्नल आएगा नहीं आएगा। जी कोई सिग्नल इसमें नहीं है, किसी भी फ्रीक्वेंसी को सिग्नल शो नहीं कर रहा है। तो इसी को रिपेयर करेंगे और इसे खोल लेते हैं, फिर से चेक करते हैं। तो खोलने से पहले हमने इसके सॉफ्टवेयर को रीसेट किया, रीसेट करने के बाद अभी भी फॉल्ट, ये डिस्प्ले तो हमारी जल गई लेकिन सिग्नल इसमें अभी भी नहीं आए। तो इसे अनबॉक्स करेंगे, मतलब इसकी बैक खोलेंगे, उसके बाद इसके बोर्ड में देखेंगे क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों इसको हमने खोल लिया है, ये देखिए ये इसका सर्किट है अंदर बना हुआ। अब इसे चेक करेंगे अपना मीटर को लगा के, वही 200 की रेंज में, हो सकता है LMB को सप्लाई ना आ रही हो तो इस वजह से भी सिग्नल शो नहीं कर पाता, क्योंकि काम करते करते इतना आइडिया हो जाता है कि एकदम से ध्यान वहीं जाता है। ये देखिए 5 वोल्ट यहाँ आ रही है इसमें और ये एक रेगुलेटर और लगा हुआ, इस पे भी चेक करेंगे। ये अभी ये 5.2 और ये 3.5, यानी ये 3 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है और यहाँ पे 1.2 की जगह 1.3। 1.2 तो कंपलसरी है, हर सर्किट में यूज होता ही होता है। और अब इसमें देखिए अभी भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। तो वोल्टेज तो सारी ओके हैं, सिर्फ LMB की वोल्टेज का डाउट हमें लग रहा है। तो यहाँ भी चेक कर लें सॉकेट पे, LMB पे वोल्टेज ही नहीं है, बिल्कुल सही डिसाइड हुआ है फॉल्ट, क्योंकि ऑन तो है मीटर बाय LMB पे, वोल्टेज अब कहाँ से जाएगी उसको हमें देखना है। ये इसका बूस्ट IC लगा हुआ है तो इसी पे देख लेते हैं एक बार, लग तो रहा कि इस पे वोल्टेज है 11 पॉइंट कुछ दिखा रहा है, हाँ इस पे वोल्टेज है, इससे आगे नहीं जा रही है। ये इसमें डायोड लगा हुआ है, यहाँ तक भी 12.9 आ रही है। ये LMB का प्रिंट है, ये इसी डायोड पे आया हुआ है 2.1। ये डायोड की वजह से ही सप्लाई नहीं पहुंच रही है। तो ये 2028 के कार्ड से निकाल के लगा देंगे पुराने से, सप्लाई पहले पूरी तरह बंद कर लें। इन सैटेलाइट मीटरों में ये छोटे छोटे फॉल्ट ज़्यादा आते हैं, कोई रेजिस्टेंस ख़राब होगी, कोई डायोड ख़राब हो गया, कोई ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया, क्योंकि LMB पे जोर पड़ता है, वोल्टेज रेगुलेट होके जाती है, तो कभी कभी क्या होता है LMB की वायर लगाते हुए शॉर्ट हो जाती है। तो इसलिए LMB वाला फंक्शन सबसे पहले देखें, वहाँ पे फॉल्ट, अगर आपका मीटर ऑन हो रहा है तो फॉल्ट LMB सप्लाई पे ही मिलेगा। इससे पहले भी हमने एक सैटेलाइट फाइंडर ठीक किया था, उसमें भी LMB पे सप्लाई देने के लिए जो ट्रांजिस्टर लगता था वही ख़राब निकला था। अब इसको लगा के एक बार वोल्टेज चेक करेंगे कि LMB पे वोल्टेज हमारी आई है नहीं आई। मीटर हमारा ऑन हो गया और अब हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, अब देखते हैं अगर वोल्टेज आएगी तभी केबल वायर लगाएंगे, तो उससे ये आइडिया हो जाएगा हाँ भाई अब सप्लाई आ गई है। देखिए डायोड से क्रॉस होकर वोल्टेज आ गई है और LMB सॉकेट पे भी आ गई है।
अब इसमें केबल की वायर लगा के देखते हैं अपनी। देखिए सिग्नल आ गए हमारे, एकदम फर्स्ट क्लास चलता हुआ, कोई दिक्कत। सभी फ्रिक्वेंसी एकदम बढ़िया वर्क कर रही हैं। और बहुत ही इजी तरीके से ये सैटेलाइट मीटर ओके हो गया। तो दोस्तों अगर आप भी हमारे से कोई सैटेलाइट मीटर ठीक कराना चाहते हैं हमारे पास भेज सकते हैं। बाकी कोई ज़्यादा लंबे फॉल्ट इसमें नहीं निकलते, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। तो इसे वापस पैक कर देंगे। वापस कवर में जैसे खोला था ऐसे ही लगा देंगे। बड़े ध्यान से फिट करेंगे, कहीं टूट फूट ना हो जाए, क्योंकि टूट फूट होने से क्या होता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ये हमारा पावर ऑन ऑफ का कनेक्टर, एक बार ऑन करके और देख लेंगे। बिल्कुल एकदम ओके। तो अब इसका बैक कवर लगाएंगे। ये एलईडी की वायर, जैसे रात में कोई सेटिंग करनी होती है तो एलईडी जलानी पड़ती है। बैटरी जो है इसका बदला हुआ है, तो थोड़ा बड़ा बैटरी है, तो इसको टेप से रोक देंगे। टेप से ही लग के आया था, तो इसके ऊपर टेप ही लगा देंगे। इस तरह से इसके ऊपर टेप से इसे रोक देंगे, क्योंकि बैटरी बड़ी होने की वजह से ये सही से बंद नहीं हो पाएगा। इस तरह से जितनी जरूरत है उसी हिसाब से ही टेप पे लगा दें। और अब इसे बाद में फाइनल चेकिंग करके देखेंगे। ये देखिए सिग्नल 68 फर्स्ट क्लास एकदम चलते हुए। तो दोस्तों ये सैटेलाइट मीटर तो हमारा ठीक हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर जो भाई पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार।